तो घी का रायता बनाना है और घर में प्याज भी नहीं है, अब कैसे बनाओ बिना प्याज के रायता? ये शेख चिल्ली भी अब तक गुलफाम के घर से लौट के नहीं आया, वरना उसे ही भेज के दुकान से प्याज मंगवा लेती। अम्मी, फिलहाल के लिए एक दो प्याज इकबाल भाई के यहाँ से मांग कर लिया। मैं तस्वीर पढ़ रही हूँ और तस्वीर अधूरी छोड़ के मैं जा नहीं सकती। ऐसा कर बेटा, तू ही इकबाल के घर से जाकर दो प्याज लिया। ठीक है अम्मी, आपका हुक्म, मैं चली जाती हूँ। शेख चिल्ली की अम्मी? हाँ जी। तुझे पता आज गुलफाम के घर में क्या हादसा हुआ? या अल्लाह, खैर तो है? क्या हाजरा बाजी का इंतकाल हो गया? या अल्लाह, हाजरा चाची के गुनाहों को माफ करना, बड़ी नेक औरत थी बेचारी, बस जरा सी चुगलखोरी की आदत थी उनकी। अरे अल्लाह की नेक बंदियों, पहले पूरी बात तो सुन लो। तुमने तो बिना बात सुने उसकी मैयत की दुआ जरूर शुरू कर दी। अबू, तुम्हारी बात का मतलब तो ये हुआ कि हाजरा चाची अभी तक मरी नहीं है? हाँ, हाजरा तो हट्टी कट्टी बैठी है, उसे कुछ नहीं हुआ। परेशानी तो उसकी बहू शब्बो के साथ है। अजी, शब्बो को क्या हो गया? शब्बो पे एक मनहूस आत्मा सवार हो गई, पूरे घर में आतंक मचा के रख दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? अबू, तुमने कुछ नहीं करा? मैंने कह सुनकर शब्बो को मौलवी अफलातून के पास भेजा है रूहानी इलाज के लिए। शेख चिल्ली और कुलफाम लेके गए। अब देखो आगे क्या होगा, बस अल्लाह खैर करे। अल्लाह रहम करे शब्बो पर। अम्मी, तो मैं जाती हूँ। हाँ बेटा, जा, जल्दी आना। ठीक है अम्मी। या अल्लाह, आज क्या पक रहा घर में? अजी, घी का रायता बन रहा है। खाना है तो लो, बैठे बैठे इसे ही छील दो। मेरी सरकार, तुम्हारा हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? अभी छीले देता हूँ, मुझसे छिलवाएगी। बस एक चिल्ली, अब तो नजदीक ही आ लिए भैया, थोड़ी देर और झेल ले। इतनी देर हो गई, कहाँ है तेरे टिक्की गोलगप्पे? खिलाऊंगा खिलाऊंगा, अभी खिलाऊंगा। जल्दी खिला, बहुत दूर है मौलवी का घर। आगे भैया, चल तो चल। अच्छा, यहाँ लेकर आए इसे, देखता हूँ। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मियां शेख चिल्ली। भाई, क्या मामला है? तुम इस खातून को अपनी पीठ पर क्यों लादे हुए हो? मौलवी साहब, ये गुलफाम की बीवी है। अजी, इसके ऊपर ऊपरी आत्मा का साया बहुत खतरनाक हो रही है, मेरा तो दम निकल जा रहा है। मौलवी साहब, इसका इलाज करो। अरे बरखुरदार, तुम इसको लेकर खड़े क्यों हो? नीचे उतारो इसको। ये लो, उतर जाओ। बस एक चिल्ली, ये क्या कर दे तू? मौलवी साहब, तुम झेलो। ओह माय गॉड, बस ये ले, ले भाई अपनी टोपी। बस ना करो, करो ना मौलवी साहब, करो जल्दी करो, मैंने पकड़ रखी है, करो इसका इलाज। मौलवी साहब, सब्बो मेरी इकलौती बीवी है, इसे मनहूस आत्मा के सिकंजे से बचा लो। अल्लाह अकबर, तुम इस आसेब जदा खातून को बिल्कुल सही जगह पर लेकर आए हो। मैं मौलवी अफलातून, जिन्नात और बदरूहों को कैद करने का माहिर हूँ। अरे मौलवी, मैं कोई मामूली आत्मा नहीं हूँ। मैं एक मनहूस आत्मा हूँ, मनहूस आत्मा, और मुझे कैद करना तेरे बस की बात नहीं है। फालतू मत बोल, तुझे अभी कैद करके दिखाऊं। मौलवी, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे कैद करके दिखा। चुप हो जा। तू मुझे अभी जानती नहीं है, मैं बहुत पहुंचा हुआ आमिल हूँ। मैं अभी तुझे सैंद रूप हाजिर करके बोतल में कैद कर लूंगा। मौलवी साहब, अगर तुम गुलफाम की बहू को सही कर दोगे नहीं तो गुलफाम तुम्हारी देसी मुर्गे की दावत करेगा। मुर्गे के साथ साथ बिरयानी और जर्दा भी बनवा दूंगा। ओवे, बिरयानी जर्दा बनवाएगा, फिर तो दावत खाने मैं भी आऊंगा। नहीं नहीं, वो दावत तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ मौलवी साहब के लिए ही तो है। गुलफाम, ये क्या कह रहा तू? तू स्टैंड में मुंह धर के क्यों बैठा?
हाँ मौलवी साहब कर दो सही। गुलफाम मियां बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अरे शेख चिल्ली, हम जैसे आमिल के साथ तेरे जैसे जाहिल का खाना हम जैसे आमिलों की शान के खिलाफ है। ओए, हम जाहिल हैं मौलवी साहब, हम जाहिल हैं। हम डायमंड की लाश को अपने कंधे पर डाले फिर रहे, हम दर्दी में गुलफाम के साथ हैं, हमारी कमर भी चू 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 कर रही है। और एक बात सुनियो, ये दावत देगा हम दावत भी नहीं खाएंगे क्या? एक बात सुनियो गुलफाम बच्चे, अगर तूने दावत नहीं दी ना तो तेरा मारते मारते हिरन बना दूंगा। इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं बाहर। सारे अगर तू दावत की हाना करता ना, सारे तेरा मारता मारता तेरा कोरमा बना देता, सारे कोरमा से खाता दावत। तो मुझे भी लगी है। अल्लाह हू अकबर। पर मैं खून पीऊंगा खून। क्या? ये बताओ तुम तीनों में से पहले किसका खून पीऊं मैं? तू मौलवी अफलातून की खानकाह में तू किसी इंसान का खून पिएगी? तेरी इतनी जरूरत? ठहर, मैं अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। कुलाउज भी रब्बिन नास मलेकिन नास इलाहिन नास मिन फजिल वस्वास खन्नास अल्लजी वस्वसु फी सुदूर नास मिनल जिन्नति वन नास। ओए परे रे, ऐ मेरे हमदाद, इस मासूम खातून के अंदर से मनहूस आत्मा को बाहर निकाल कर मेरे सामने हाजिर करो, नहीं तो मैं इसे जलाकर राख कर दूंगा राख। तू मुझे जलाकर राख करेगा मौलवी? देख देख तुझे अभी कैसा मजा चखाता हूँ। बाजी आत्मा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बाजी आत्मा, मेरे बस की तुम्हारा इलाज करना नहीं है। फूफी खाला खाला आत्मा मुझे छोड़ दो, खाला मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है। छोड़ दिया मौलवी, जा जा जी ले अपनी जिंदगी। ओ भाई शेख चिल्ली, ओ मियां गुलफाम, इस बवाल को फौरन यहाँ से ले जाओ, फौरन ले जाओ, इसका इलाज करना मेरे बस की ना, मेरे बस की ना, इसका इलाज करना, ले जाओ ले जाओ। दफान दफान हो जा परे को, फौरन दफान दफान दफान, देखे इस बवाल को। बल्ला टली, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने उस मनहूस आत्मा से मेरी जान बचा ली। बड़ी मुश्किल से बचा हूँ भाई। क्या बात है, मौलवी अफलातून के हाथ से ये मनहूस आत्मा बचकर निकल गई। इसका मतलब मेरा अमल कच्चा है, मुझे दूसरा पुख्ता वाला अमल करना पड़ेगा। शेख चिल्ली भाई, हाँ मौलवी तो फेल हो लिया, अब क्या करेंगे? आ गए आते दिख रहे हैं, लगता है काम नहीं हुआ, अब मैं अपना काम करता हूँ। मैं क्या करूं बीबी तेरी, तू झेल सारी की मार मार सारी मार सारी सारी मार 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 सारी। अरे भाई चल मेरी भूतली, हमें थका दिया सवाली ने, बाहर निकल, पहले घर चलते हैं, पहले घर चलते हैं, सोचते हैं क्या करना, घर चल बाद में सोचेंगे कहीं। ओ भाई साहब क्या बात हो गई, क्या इनकी तबीयत खराब है? हाँ भाई साहब बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। क्या हुआ इन्हें? वह भाई साहब इन पे ऊपरी भूत की बहुत जबरदस्त ऊपरी भूत की साया है, इन्हें मौलवी साहब के लेके वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तू कुछ कर सके? कर सकता ठीक है, नहीं गोली हो ले, निकल ले साले की।
शिकल बिगाड़ दे, पूछ रहा भाई साहब क्या हुआ, मैं तुम्हारा बस किया था करो, पता निकलो। ओ भाई, इसे मेरे गुरु तांत्रिक झरमुंडा एक मिनट में ठीक कर देंगे। अबे तू तो झरमुंडा बाबा का चेला है, यहाँ में मिला अकेला है। ओ वो तो बहुत बड़ा तांत्रिक है, उसने हमारे मोहल्ले में दुकान खोल रखी है उधर। हाँ वो तो ठीक कर देगा, अब मैंने तुझे पहचान लिया बेटा। तेरे गुरु मेरी बीवी को ठीक कर सकते हैं क्या? अजी गारंटी से ठीक कर देंगे। मेरे गुरु जादू टोना, भूत पिशाच, जंतर मंतर सब जानते हैं, तेरी बीवी को एक मिनट में ठीक कर देंगे। अगर ये बात है चलो तो अपने गुरु के पास लेके चलो हमें। तुम्हें गुरुदेव के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर पहुँचो, मैं गुरुदेव को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तुम्हारे घर पर इसका इलाज होगा। मैं एक बात बतला, मैं तूने इनका घर देखा नहीं, और तू इनके घर अपने गुरु लेकर कैसे पहुँचेगा? मेरे गुरुदेव अपनी शक्तियों से तुम्हारे घर का पता लगा लेंगे, तुम इस बात की चिंता मत करो। भाई गुलफाम, ऐसे कर तू अपने घर जा, ये अपने गुरु लेकर पहुँच जाएंगे। भाई शेख चिल्ली, तू मुझे अकेला मझधार में छोड़ के जा रहा है? मझधार में जा, जिम्मेदारी ले रखी तेरी बीवी को ठीक करवाने की। भैया मेरी हिम्मत ना अकेला जाने की, तू मेरे साथ चल। चल हिम्मत हारा चल, साले मुझे भी गैली लेके मरोगे तुम दोनों। तुम घर जाओ, गुरुदेव तो तुम्हारे घर आ चुके हैं। ओम काल भैरवाय स्वाहा, 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 जय हो मुर्दा घाट की रानी। ओम भाट, ओम काल भैरवाय स्वाहा, खटपटी खुटा खुटी खुला किवाड़, प्रकट हो जा दुष्ट आत्मा, प्रकट हो जा, नहीं तो यही कर दूंगा तुझे उजाड़। चल प्रकट हो जा, जल्दी से प्रकट हो जा, तांत्रिक झरमुंडा के सामने प्रकट हो जा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। क्या कहा? सुन रहा हूं मैं, बहरा नहीं हूं। अच्छा क्या, 5,000 रुपए और 5 तोला सोना लेकर जाएगी तू जब इस घर को छोड़ेगी? ठीक है, मैं इन घर वालों से बात करता हूं। ओवे 5 तोला सोना, गुलफाम 5 तोला सोना कहां से ला देगा? ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम काल भैरवाय स्वाहा, ओम काल भैरवाय स्वाहा। ये आत्मा बड़ी दुष्ट है और लालची भी है, 5,000 रुपए और 5 तोला सोना लेने के बाद ही पीछा छोड़ेगी। बाबा जी, पैसा और सोना लेके ये आत्मा मेरी बहू का पीछा छोड़ तो देगी ना? बाबा मुझे पैसे और सोना देने में कोई परेशानी नहीं, बस मेरी सब्बो को इस आत्मा से छुटकारा मिल जाए। हाँ ये तो ठीक बात है। तांत्रिक झरमुंडा नाम है मेरा, मैं रूहों का पुजारी हूँ और भूतों का शिकारी हूँ। इस आत्मा को यहाँ से जाना पड़ेगा, और अगर इसने मुझको धोखा दिया तो मैं इसे यही भस्म कर दूंगा। तुम सोना और रुपए मुझको ला कर दो और फिर मेरी तंत्र शक्ति का कमाल देखो। अम्मी जाओ ले आओ। ठीक है बाबा, मैं लेके आती हूँ।
यहाँ मेरे काम में टांग अड़ाने क्यों चला आयो? जा, जा चला जा यहाँ से। अब भी वक्त है, वरना मैं तेरी मुंडी मरोड़ दूँगा। आत्मा बाजी, जो तुम्हें करना कर लो, मुझे कुछ मत कहियो, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो बहुत शरीफ लौंडा हूँ। हाँ, मैं तो अबू फंसा गया मुझे यहाँ। दुष्ट आत्मा, तू अभी झरमुंडा को नहीं जानती है। मैं तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। तो तू नहीं जाएगी, तुझे जाना होगा। चले, माल आने वाला है। ये लो बाबा, गहने और पैसे, और जल्दी से इस आत्मा से हमें मुक्ति दिलाओ। बाबा ये गहने हैं और ये पैसे। बम बम भोले, चले हम क्या बोले? ठीक बोले। नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा धात्री। लो रखो चले। अब होगा आत्मा का खात्मा। अब होगा आत्मा का खात्मा। वाह वाह वाह, कर दे जल्दी, कर दे जल्दी, कर दे काम। बाबा काट दे, काट दे बीमारी, काट दे, काट दे। ये मासूम सी नारी तेरे बोझ की मारी, ना कर तू इस पे सवारी। निकाल निकाल निकाल। झरमुंडा, मुझे कष्ट हो रहा है। अपनी तंत्र शक्ति मेरे ऊपर से हटा ले, वरना तुझे भस्म कर दूंगा। झरमुंडा, तुझे भस्म कर दूंगा। दुष्ट आत्मा, अगर तू भस्म नहीं होना चाहती तो अपना पैसा और सोना लेकर यहाँ से चली जा, और दोबारा कभी इस घर में मत आना। छोड़ दे मुझे, मैं चला जाऊंगा और वापस कभी नहीं आऊंगा। छोड़ दे मुझे। अल्लाह, काला कुत्ता काली भैंस, काला जादू मेरे पास। इस घर से निकल जा तू, नहीं तो कर दूंगा तेरा सर्वनाश। है ये कहाँ गया? देखो गया सबको। या अल्लाह, ये सब लोग कौन है? हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? अम्मी ये लोग कौन है? शब्बो, ये चामुंडा बाबा हैं। इन्होंने एक दुष्ट आत्मा से हमें मुक्ति दिलाई है। क्या? हाय अल्लाह। चाची, थोड़ी दुआ शेख चिल्ली को भी दे दो। शेख चिल्ली दुआ का हकदार है। तुम्हारी बहू को ठीक करवाने के चक्कर में मैंने बहुत पापड़ फेले चाची, बहुत पापड़ फेले। हाँ बेटा, तू जीता रहे, तेरी मेहनत काम आई। हाय अल्लाह, मेरा तो सारा शरीर दुख रहा है। मेरा सर क्यों घूम रहा है पता नहीं। बाबा, आपने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? हमारा तो काम ही यही है, भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं से बचाना। इसीलिए तो हमारा नाम है झरमुंडा तांत्रिक। हाँ हाँ गुलफाम जी। हाँ, अब आपका काम हो गया और हमारा भी। अब हमें इजाजत दीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। चले गुरुदेव। बम बम भोले, चले तुम ठीक बोले। बाबा सुनो, उठाइए अपनी सामग्री और कहीं और प्रस्थान करें। बाबा, तुमने तोल भी लिया है 5 तोला ये सोना, या ज्यादा लूट लिया? चाची, ऐसा तुरा हुआ रखा था 5 तोला सोना? ओवे, हानि ले जा रहा बाबा। बम भोले, ले जा, ले जा। बम बम भोले,
चलो गुरुदेव जल्दी जल्दी चलो निकलो यहाँ से, अपना काम हो गया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सब्बो को ठीक कर दिया। अजीब मुझे क्या हुआ था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुझे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हमारा तो नाश हो लिया था। हैं? चाची एक बात बताइए, वो जो तुमने सोना दिया वो तुम्हारा ही था या वैसे दे दिया लूट का माल? नूई दे दिया। हैं? यही दे दिया, दादा का हराम का माल दे दे अपने यार को, दे दे यूं ही दे दिया।